आजकल की ज़िंदगी में सब किसी की अभिलाषा होती है कि मेरे भाई हम भी पैसे कमाएं, अपना बिजनेस रहते हुए भी साइड इनकम करके हम पैसे कमाएं। तो साइड इनकम करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन तरीका आपको यूट्यूब है, क्योंकि मैं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से ये समझा रहा हूँ। मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको भी यूट्यूब से कैसे पैसे अर्न करना है, अपने चैनल को कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है जिससे आपकी न्यू चैनल जल्द से जल्द रैंक हो पाए मेरे भाई। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज उसी पर रिलेटेड बात करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल कैसे क्रिएट की जाती है तथा टैग फैंड कैसे की जाती है, वीडियो अपलोड कैसे की जाती है, उस तरह की वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसकी लिंक मिलेगी, जाके वीडियो देखिए, वॉच करिए। कैसे चैनल कैसे चैनल का नामकरण किया जाता है, आपके चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाम। सो गाइस, नाम के साथ साथ अगर आप नाम चॉइस करना नहीं जानते हैं तो ऊपर मैंने आई बटन में वीडियो बना रखी है, जाके वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे अपने नए चैनल को क्रिएट करने के बाद आपने वीडियो आपके जिस कैटेगरीज के आपका यूट्यूब चैनल है उस कैटेगरीज के लिए वीडियो को कहां से चूज करें कि आपकी भी वीडियो जल्द से जल्द वायरल हो पाए मेरे भाई। जैसे आपको दिख रही होगी कि मेरे पीछे आपको सिल्वर बटन दिख रही होगी, तो मेरे भाई आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरे भाई इसके चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो खुद नहीं है, तो ये हमको ज्ञान क्या दे पाएगा। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक जो पीछे सिल्वर प्ले बटन लगी है वो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम सीखो इलेक्ट्रिक है, उसी चैनल की है। सो गाइस, आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी कि हमको कितने दिनों का एक्सपीरियंस यूट्यूब से है, जो कि मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। सो गाइस, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब, ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कितने जल्दी गेन कर पाते हैं मेरे भाई। किसी भी तरह के सुझाव सलाह प्रक्रिया के लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, इंस्टाग्राम आईडी उसी चैनल की है जो कि मेरा सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल है। सो गाइस, किसी भी तरह के सुझाव सलाह प्रक्रिया लेने के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे अपने यूट्यूब के लिए वीडियो फाइंड की जाती है, कि किस तरह की वीडियो बनाने से आपकी भी चैनल जल्द से जल्द रैंक में आ पाएगी मेरे भाई। और भाई, मैं बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आपको आपको फाइंड करने के लिए कि आपकी मार्केट में आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मैं बता भी देता हूँ कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए। सो गाइस, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि कितने लोग नए यूट्यूबर्स के पास फोन से वीडियो एडिट करते हैं तथा बनाते हैं, उनके लिए उनके पास पीसी नहीं हो पाती है। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन की इसमें आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई। सो गाइस, मैं अभी आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद आपको आना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूं, उसे वहीं पोजीशन अपने आपके यूट्यूब चैनल के लिए सर्च करना है। सो गाइस, इसमें सर्च करना होगा ट्यूबबडी, जो कि मेरे में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो आपको इस तरह की दिख जाएगी। उसके बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है ट्यूबबडी। जैसे आपको ये दिख होगी कि मेरे उसी चैनल की ये सारी की सारी आपको वीडियो होगी, और सारी की सारी जितनी भी जानकारी है सभी के सभी वही चैनल की है, जो कि ये मेरा सीखो इलेक्ट्रिक के नाम से है, जो कि आपको आगे हेडलाइट और हेडलाइन उसकी सब्सक्राइबर आपको आगे सामने दिख रही होगी। सो गाइस, इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे मैंने इस चैनल का पहले आपको सब्सक्राइबर दिखा दूँ, तो मेरे भाई इस चैनल का सब्सक्राइबर मेरा 230,000 है। तो मैं अब चलता हूँ कि किस तरह की आपको वीडियो आपको बनाने से आपके मार्केट में वायरल हो पाएगी मेरे भाई। सो उसके लिए आपको आना होगा, जैसे मैंने इसको बताया कि जैसे इस ट्यूबबडी को ओपन कर लेना है। ट्यूबबडी को ओपन करने के बाद जैसे आपको होम पेज में आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे पे आपको कॉर्नर पे आपको मेनू का ऑप्शन दिखेगा, जो कि 3 लाइन नीचे की तरफ बनी होगी, वहाँ पे टच करना होगा। उसके बाद में लिखा है टैग एक्सप्लोर, उस पे आपको टैप कर देना होगा। वहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा टैग, तो टैग में आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बात बता दूं कि आप किस कैटेगरीज की वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे आप बताना चाहते हैं कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक का ले लेता हूं सपोज के लिए, कि हाउ टू एलईडी बल्ब रिपेयरिंग, ये चीज़ बताता है कि आप ये वीडियो बनाने से क्या ये वीडियो आपकी मार्केट में जा पाएगी, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसकी सर्च वैल्यू कितनी है, इसकी ओवरऑल कितनी है, इसकी कंपटीशन कितनी है इस वीडियो में। सो वहीं आपकी पूरी फुल इसमें एक्सप्लोर बता दी जाती है। तो मेरे भाई, इसको बाद आ जाना है इस पर, और आने के बाद आपको जैसे आपकी जिस कैटेगरीज की आपकी चैनल है उस कैटेगरीज को इसमें सर्च करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा इलेक्ट्रिक का चैनल है, सो गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जिस कैटेगरीज का आपका चैनल है वहीं सर्च करें। सो गाइस, मैंने इलेक्ट्रिक का चैनल है, तो मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ हाउ टू एलईडी बल्ब रिपेयरिंग इन हिंदी। जैसे मैंने हाउ टू एलईडी बल्ब रिपेयरिंग इन हिंदी, जैसे ही सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद आपके सामने इसकी आ जाएगी कि क्या ये टैग क्या ये हमारी मार्केट में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो इसकी परिणाम आपके सामने आ चुकी है। सो गाइस, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि सर्च वैल्यू इसकी 33% है, जैसे आपको दिख रही होगी कि सर्च वैल्यू क्या बताती है, 100 लोगों में 33 लोग यही सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू एलईडी बल्ब रिपेयरिंग इन हिंदी, यानी कि एलईडी बल्ब को अपने हिंदी अपने भाषा में कैसे सही करें। तो उस सिचुएशन में इसकी सर्च वैल्यू है 33%, और इसकी
कंपटीशन वेरी हाई। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि इस पर कितने तरह के वीडियो बनी है, कितनी वीडियो बनी है। तो इसमें मैं बता दूँ, बहुत सारी वीडियो इसमें बनी है, बहुत सारी वीडियो बनी है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनी है इस पर। उसके बाद में इस पर जैसे आप ओवरऑल में देखेंगे, सबसे लास्ट में ओवरऑल लिखा होगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा वेरी बैड। यानी कि वेरी बैड का मतलब ये होता है कि आप अगर इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो मार्केट में वायरल नहीं हो पाएगी। क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस पे इस मतलब ये इस टैग पे, जैसे ये टैग है आपकी हाउ टू एलईडी बॉल रिपेयरिंग इन हिंदी, इस पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। सो गाइस, जो भी सर्च करेगा तो आपका तो मतलब चैनल नया है तो आपका चैनल सजेस्ट में नहीं आ पाएगा, इसलिए आपका वीडियो पीछे रह जाएगा। जो हाई क्वालिटीज़ के है वहीं की प्रोवाइड कराई जाएगी आगे। तो मैं जैसे इसमें मतलब इसमें आपको फिर से एक नए मतलब टाइप करके आपको बता देता हूँ कि हाउ टू यूट्यूब वीडियो टैग फाइंड। जैसे ही मैंने इस पर सर्च कर रहा हूँ तो आपके सामने इसके मतलब कुछ लेके आ जाएगी। जैसे इसकी सर्च वैल्यू आपको 33% है और इसकी मतलब एवरेज की मैं बात करूँ तो 56% है। यानी कि इसमें बहुत कम वीडियो बनी है इस टॉपिक पे। और उसके बाद भी इसकी जो आपका इस पर लिख रहा है ओवरऑल में फेयर लिख रहा है। इसमें तीन कैटेगरी शो करता है, यानी कि गुड और मतलब वेरी बैड और फेयर। फेयर का मतलब यह है कि आप इस पे वीडियो बनाए, आपकी वीडियो मार्केट में वायरल हो सकती है। जहाँ पे अगर ओवरऑल में आपका गुड लिख के आ रहा है तो आपका वीडियो 110% मार्केट में आपकी मतलब रैंक करेगी। और वहाँ पे जैसे आपकी फेयर लिख रही आ रही है तो हो सकता है कि आपकी वीडियो मार्केट में निकल जाएगी। लेकिन वेरी बैड आ रही है तो उस पर आप बिल्कुल भी वीडियो ना बनाए। तो मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैं इसमें ऐसे तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मतलब किस कैटेगरीज की वीडियो बनाने से आपकी मार्केट में वायरल हो पाएगी। आपकी जिस तरह की कैटेगरीज की चैनल है, पहले उसको सर्च करें, देखें कि हाँ मेरे भाई इस पे कितने सारे कंपटीशन है, कितने कंपटीशन सर्च वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी, कितने लोग इसमें सर्च कर रहे हैं। जैसे 100 लोग में 33 लोग सर्च कर रहे हैं। जितनी सर्च वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतनी आपकी वीडियो जल्द से जल्द मार्केट में सर्च करेगी। कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मतलब मार्केट में कौन सा कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है, वही कीवर्ड दर्शाने के लिए एप्लीकेशन का मैंने इस्तेमाल किया हूँ। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह के टिप्स लेने के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मैसेज में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।